सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाबी न्यूज़ ते मैं तुहाडे नाल रुमन बाजवा। खबरां दे विस्तार तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं हैडलाइनस ते। श्रोमणी कमेटी वालों गुरुद्वारा श्री ननकाणा साहिब लई सिख शरधालुआं दा जत्था रवाना। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 855 शरधालुआं दा पहला जत्था कीता गया रवाना। पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने दिल्ली विखे कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी नाल कीती मुलाकात। पंजाब विधानसभा चोणां समेत अहम मुद्दे ते हुई गलबात। सीएम चन्नी वालों 32 किसान जथेबंदियों दीआं मंगां स्वीकार। झोने की खरीद किसान अंदोलन नाल संबंधित सारे परचे कीते जाणगे रद्द। श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने विधानसभा चोणां के मद्देनजर गुराया विलोर। विधानसभा हल्के विच पार्टी वर्करां दे भरवे इकट्ठ नूं कीता संबोधन। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब मौके गुरद्वारा श्री ननकाणा साहिब पाकिस्तान विखे होने वाले समागमों में हिस्सा लेने लई श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 855 श्रद्धालुओं का जत्था जयकारों की गूंज में आज रवाना किया गया। श्रोमणी कमेटी दफ्तर तो जत्थे की रवानगी मौके श्रोमणी कमेटी के जनरल सकत्तर एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका ने जत्थे की अगवाई कर रहे सरदार रामपाल सिंह बैनीवाल, सरदार बलविंदर सिंह वेईपोई, बीबी रविंदर कौर अजराणा समेत होर प्रमुख शख्सियतों को गुरु की बख्शिश सिरोपा साहिब भेंट करके सम्मानित किया। इह दस दईए कि 19 नवंबर को पहले पातशाह जी का प्रकाश पुरब मनाउण मगरों श्रद्धालुओं का पहला जत्था पाकिस्तान स्थित गुरद्वारा श्री पंजा साहिब, गुरद्वारा सच्चा सौदा, गुरद्वारा श्री डेरा साहिब लाहौर, गुरद्वारा श्री करतारपुर साहिब आदि गुरधामों के दर्शन करेगा। यह जत्था 26 नवंबर को वापस देश परतेगा। आज पंजाब दे उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी दिल्ली दरबार पहुंचे जिथे उन्हां वल्लों कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी नाल मुलाकात की गई है। मीटिंग तो बाद उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने दस्सिया कि 2022 दीआं विधानसभा चोणां दीआं तैयारियां नूं लैके सोनिया गांधी नाल गलबात हुई है। उन्हां कहा कि पंजाब कांग्रेस विच कोई धड़ेबंदी नहीं है, हर कोई मिल के काम कर रहा है, जो वादे किए सन वह पूरे किए जा रहे हैं। इस दे नाल ही उन्हां केंद्र सरकार वल्लों करतारपुर लांघा खोलण दे फैसले का भी स्वागत किया गया। उन्हें कहा कि पंजाब का पूरा मंत्रिमंडल करतारपुर साहिब के दर्शन ले जाएगा। मैं तो जब का डिप्टी सीएम पंजाब का बना हूँ, मैं थैंक्स करने आया था मैडम जी का। और नहीं, डेंगू कम हो गया है, डेंगू पंजाब में ज्यादा नहीं है, आगे से 40% रह गया है और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। कोई पार्टी में पंजाब में कोई मतभेद नहीं है, सब ठीक है। इकट्ठे हो गए 22 का इलेक्शन लड़ना है, हम काम कर रहे हैं और पंजाब के लोग खुश हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, पार्टी एक मुठ्ठी है, इकट्ठी है पार्टी, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज 32 किसान जथेबंदियों नाल मीटिंग की है। मीटिंग तो बाद मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस विच दस्सिया कि पंजाब सरकार ने किसानां दीआं लगभग सारियां मंगां प्रवान कर लिया ने। उन्हां दस्सिया कि गुलाबी कीड़े तो प्रभावित किसानां दा मुआवजा 12,000 रुपए तो वधा के 17,000 रुपए किया गया। उन्हें कहा कि सरकार ने पराली साड़न लई किसानां ते दर्ज किए परचे भी रद्द कर दिए ने, 4 दिनों विच मुकम्मल होवेगी यह गलबात। इस दे नाल ही चोने दे खरीद 4 दिनों विच मुकम्मल करन, 1 हफ्ते विच नौकरियां विच राखवा करन दा कानून बनाउण, पंजाब विच सिर्फ पंजाबियों नूं नौकरियां देण, नरमा चुगण वाले किसानां नूं 10% मुआवजा देण अते किसान अंदोलन नाल संबंधित सारे परचे रद्द करन दीआं मंगां स्वीकार कर लईआं गईआं ने। उन्हें कहा कि बादल सरकार ने 2013 विच खेतीबाड़ी काला बिल वर्गा कानून पास किया सी ते हुण असीं इस नूं रद्द कर दित्ता है। चन्नी ने दस्सिया कि APC स्कीम तहत 500 किसानां दे कनैक्शन लए ने जो कि पंजाब सरकार वल्लों मुफ्त दित्ते जाणगे। आम आदमी पार्टी पंजाब दे सह इंचार्ज राघव चड्डा ने ट्वीट करके एक खास जानकारी साझी की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल ते लिखा है कि 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब मौके आम आदमी पार्टी का वफद पंजाब की अमन शांति और खुशहाली की अरदास करने लई श्री गुरुद्वारा करतारपुर साहिब विखे नतमस्तक होने जा रहा है। राघव चड्डा ने कहा कि गुरु साहिब ने हमेशा सरबत दे भले का सुनेहा दिता है, साडा सारिया का फर्ज बनता है कि इन्हां दे आदर्शां ते चलीए ते मनुखता की सेवा करिए। 19 नवंबर नूं श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश पर्व मौके आम आदमी पार्टी दा वफद पंजाब दी अमन शांति अते खुशहाली दी अरदास करन लई श्री करतारपुर साहिब विखे
नदमस्तक होने जा रहा है। गुरु महाराज जी ने हमेशा सरबत दे भले दस नया दिता है। साडा सब दा फर्ज बनता है कि इन्हां दे आदर्शां ते चलिए ते मानवता दी सेवा करिए। अज दे समय च पंजाब बहुत मुश्किल दौर च गुजर रहा है ते जदों असी करतारपुर साहिब जावांगे तां गुरु महाराज साहब अगे पंजाब दे भले दी अरदास करदे होए फिर तो रंगला पंजाब वापस लेके आउण दी अरदास करनगे। मैं एक बार फिर तो आप सब नू गुरुपुरब दी लख लख वधाई दिंदा। सांसद गुरजीत औजला ने केंद्र सरकार वालों करतारपुर कोरीडोर खोले जाने का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पुरब मौके अटारी वाघा राही व्यापार खोलने की भी इजाजत दी जाए। इस नाल पंजाब अमृतसर इकोनमी नूं काफी फायदा होगा। कल जिहड़ा करतारपुर साहब कोरीडोर खुलन जा रहा है जिहड़ी भारत सरकार ने मंजूरी दी है, पहला तो भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का, गृह मंत्री साहब का कि जो उन्होंने ये मंजूरी दी है करतारपुर साहब कोरीडोर करोना तो बाद दोबारा खोलण की। सो उसी नाल दी नाल असी ये भी मंग करते हैं कि गुरु साहब के प्रकाश पुरब से, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब से केंद्र सरकार जी अटारी राही व्यापार खोलन की आग्या दे, क्योंकि बड़े लंबे समय की डिमांड है और पार्लीमेंट के असी मैं बार बार ये मसला उठाया है, क्वेश्चन भी लगे ने मेरे, पर सरकार को एक बेनती है कि उत्थे सारियां वस्तां जिहड़ियां ने हिंदुस्तान नालों दो दो तीन तीन गुणा भाव ते महंगियां विक रहीयां ने, उन्हां दी पूर्ति वाया दुबई वाया होरां कंट्रियां राहीं वो हो रही है, वाया चाहे समान इत्थों ही जांदा आ हिंदुस्तान दा ही। मैडिसन बहुत महंगी है उत्थे, जे सरकार बेनती है कि जे सरकार चाहे तो इस मौके दे उत्ते जिहड़ा पाकिस्तान दे नाल व्यापार आ वह भी खुल जाता, वह सीधा सीधा फायदा अमृतसर नू पंजाब नू और हिंदुस्तान नू होएगा और गेटवे ऑफ ट्रेड जिहड़ा आ वह अटारी बार्डर बन सकता है। सो मैं भारत सरकार तो ही मंग करदा कि प्रकाश पुरब के मौके दे उत्ते जिथे कोरीडोर पहला तुसीं बनाया फिर दोबारा करोना तो बंद होने तो बाद खोलिया, हुण एक होर वड्डा एहसान करो साडे ते पंजाब ते खास करके किसानां दे उत्ते जिथे संघर्ष दे विच किसान जथेबंदियां लगियां ने कि ये ट्रेड जिहड़ा आ गल करिए पंजाब विधानसभा चोणां दी तां श्रोमणी अकाली दल बादल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने विधानसभा चोणां दे मद्देनज़र गुराया फिलौर विधानसभा हल्के विच मीटिंगां कीतियां। इस मौके सुखबीर सिंह बादल चन्नी सरकार ते जम के वरे, उन्होंने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी रेता दा व्यापारी है ते पंजाब दे लोकां नाल झूठे वादे करके लोकां नूं गुमराह कर रहा है। पंजाब दे लोकां ने मन बना लिया कि कांग्रेस सरकार दा भोग पा के जल्द ही श्रोमणी अकाली दल बादल ते बसपा पार्टी दी सरकार बनाई जाएगी। इस मौके प्रधान सुखबीर सिंह बादल दा गुरप्रताप सिंह वडाला, जिला प्रधान बलदेव सिंह खैरा, विधायक फिलौर जथेदार हरजिंदर सिंह लल्लिया ते श्रोमणी अकाली दल बादल ते बसपा दे आगुआं ने सिरोपा सहित देके सम्मान किया। मैं उही सोच रहा जदों गुटका साहब की सहुं खाधी सी असीं करजा सारा ते माफ करांगे उदों क्यों गुमराह किया। अज चन्नी साहब कह रहे हैं कि सानू पता नहीं कित्थों करांगे ते उदों जदों साढ़े चार साल तुसीं सरकार दा निग मानिया है उदों तो ठगी मारी थोड़े ते झूठ बोलन ते इल्जाम ते थोड़ा परचा होना चाहिए इन्हां दे। इक नरमे दे किसानां नूं आख रहे कि हुण असीं 17,000 रुपया देवांगे, तुसीं जदों इशू चक्किया जदों असीं कहा उत्थे 50,000 दा उत्थे नुकसान होया पिया है गए है नहीं, पहले तो 12,000 ही नहीं मिलिया, फिर कहते 5,000 होर दे देंगे, फिर वो कह रहे हैं कि जिहदा 33% जिहदा 33% नुकसान होया 17,000 का 33% देवे, जिहदा 50% नुकसान होया 17,000 का 50% देवे। हुण कौन देखूगा 33% ते 50% पटवारी लैणगे ते इन्हां दे एमएलए पैसे लैणगे देण वास्ते जी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400 साल प्रकाश पुरब नूं समर्पित 17वां खालसाई खेड उत्सव दियां पूरे खालसाई जाहो जलाल नाल माता गुजरी कॉलेज फतेहगढ़ साहिब विखे आरंभता हो गई है। इस मौके ते प्रधान श्रोमणी कमेटी वालों विद्यार्थियों तो मार्च पास की सलामी भी ली गई। दो दिन होने वाले इस खेड उत्सव विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां उचेरी विद्या दे 5,000 खिडारी वख-वख खेडां विच भाग लै रहे ने। इस मौके खेड उत्सव दा उद्घाटन करन पहुंचे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान बीबी जगीर कौर ने खालसाई खेड मौके अपने संबोधन दौरान जिथे प्रबंधकां नूं वधाई दित्ती है उत्थे ही श्रोमणी कमेटी दे इन्हां 33 कॉलेजां, 2 इंजीनियरिंग कॉलेजां अते 1 यूनिवर्सिटी खेडां प्रति होर उत्साहित करन लई 1-1 लाख रुपए देण दा ऐलान कीता है। उन्होंने कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पहला भी खेडों में मल्ला मारन वाले खिडारियों उत्साहित किया जाता रहा है, भविष्य में श्रोमणी कमेटी किसी तरह
ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ 17ਵੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੇਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਜੈਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਖੇਡਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਜੇ ਗੱਤਕਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੇਜਾਨ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਪਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ 2017 ਤੋਂ 2020 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ NDPS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਤੰਕ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਮਾਬੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਚਿਰੋਕੜੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਟੀਚਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 900 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਘੜਾਊਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦਾਵਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ
धरने संबोधन करदे कहा कि हलका अमलो अंदर सब तो वध खेती आलू की फसल की जाती है जड़ा कि बरसात कारण जिथे आलूआं की 3,000 acres के करीब फसल बर्बाद हो चुकी है उत्थे हलके के किसानों का 10,000 crore rupees के करीब वड्डा नुकसान होया। इस तों इलावा झोने की फसल भी वड्डे पद्धर से बरसात कारण पानी की पेंट चढ़ गई है पर खेतीबाड़ी मंत्री काका रणदीप सिंह नाभा हलका अमलो का होने के बावजूद भी ना तो एक महीना बीजाण के बर्बाद हुई फसल की गुरदावरी करवा सके ने ते ना ही किसी किसान का दुख दर्द समझदिया उन्होंने मुआवजा दिता गया। बागा पुराना तहसील कंपलैक्स में किसानों वालों धरना लगाया गया तो यह धरना नैशनल हाईवे 105B ग्रीन फील्ड एक्सप्रैस वे जो मोगा तो बाजाखाना बाईपास निकल रहा है नाल संबंधित है जिन्हों किसानों दमीन इस रोड में आ रही ने इन्होंने किसानों का करोड़ों रुपये का जमीन कोडिया के पा एक्वायर की जा रही है इस रोस वजो हम इतने समय लरना लगया जाएगा तो उन्हों का कहना है कि जब तक उन्होंने जमीन का वाजब रेट नहीं दिता जाता उन्होंने वालों संघर्ष इस तरह ही वंडिया जाएगा। रामबाग रोड विखे एक दुकान के बाहर सवेर तो ही किसानों दियां लंबिया लंबिया कतारा लगियां दिखाई दित्तियां पिछले लंबे समय तो किसानों वालों DAP ना मिलने लैके सरकार के खिलाफ अपना रोस जाहिर किया जा रहा है उत्थे ही अज किसानों दुकान से DAP खाद आने की पणक लगी तो किसान वड्डी गिनती विच उत्थे पहुंच गए। किसानों ने कहा कि सरकार किसान अंदोलन खत्म कराने लई कोजियां हरकतां कर रही है पर इंसाफ मिलने तक उन्हां दा संघर्ष जारी रहेगा। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है दिक्कत मिलती नहीं जी लाइन च पैसे लगे तो भी नहीं रेह दे रहे जी आ वेलो तड़के दे बैठे जी सत्त बजे दे सवा सत्त दे आ वेख लो कि लाइन पिछे हुई हजे कहते कोई चांस नहीं आऊ कि ना आऊ कोई पता नहीं हजे टोकन देवे कहते रेह कल नू देवे जी आ गई ये दूते परेशानी की आऊ जी पैसों चीज़ नहीं मिल रही जिमीदार नू बहुत ज़्यादा जी कणक तो हूँ लेट हो जाती है जी कणक भी अगी 15-20 दिन लेट हुई जाती है जी होर एदूँ लेट ही लेट है जी मिली नहीं रही एदू बाद परेशानी होर की आऊ जिमीदार नू जी दसो इतने लाइन च खड़े कि खेत काम करे दसो की करे जी। अज मनाली मुख मार्ग से दोपहर करीब 3 बजे एक तेल टैंकर बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गया जिस नाल क्लीनर की तेल टैंकर के हेठां जाण कारण मौके पर ही मौत हो गई जबकि उस टैंकर का ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हो गया जिसनों स्थानक लोगों वालों पुलिस की मदद नाल श्री आनंदपुर साहिब के भाई जेता जी सिविल हस्पताल में दाखिल कराया गया मृतक क्लीनर की लाश श्री आनंदपुर साहिब के सिविल हस्पताल के मोर्चरी हाल में रखवा के अगलेरी कार्रवाई आरंभ की गई है। पंजाब दे लोकां नूं हुण घरेलू गैस सिलेंडर लैण लई गैस एजेंसियां विच जाण दी लोड़ नहीं है ते लोकां नूं हुण उन्हां दे पिंडां ते उन्हां दीआं कलोनियां दे सरकारी राशन डिपुआं ते गैस सिलेंडर मुहैया करवाए जाणगे सरकार ने इस संबंधी मंजूरी देती है। फूड सप्लाई विभाग अते इंडियन आयल कारपोरेशन दे अधिकारियों ने डिपो होल्डरां नाल मीटिंग करके इस संबंधी जानकारी दित्ती है। मीटिंग विच गैस एजेंसियां दे मालक भी हाजिर सन डिपो होल्डर यूनियन पंजाब दे चेयरमैन सेठ श्याम लाल पंजोला अते जिला प्रधान तरसेम चंद शर्मा ने कहा कि सरकार वालों दी गई इस जिम्मेवारी निभाने लई डिपो होल्डर तैयार ने डिपो धारकों नूं रखण लई हर तरह के सिलेंडर तैयार ने इस संबंधी डिपो होल्डर अपने अपने इलाके दी गैस एजेंसियों नाल राबता कायम करनगे ते उन्हां दे तालमेल नाल इन्हां सिलेंडरां दी विक्री की जाएगी। किसानों वालों पहला ही काले कानूनों नूं लैके दिल्ली दीआं बरूहां ते धरने दिते जा रहे ने उधरों कणक बीजण दा समां आ गया पर DAP खाद की पूर्ति सरकार वालों नहीं की जा रही इसनूं लैके भी किसानों विच परेशानी का कारण बनिया होया है पर सरकारां वालों भी किसानों नूं जो सरकार बनन तों पहलां वादे किए गए सन उन्हां दे कर्जे माफ़ कर दिते जाणगे पूरे कर्जे माफ़ नहीं किए गए ने इन्हां कर्जियां दे कारण कई किसान खुदकुशियां वाले राहे पै गए ने इस तरह का एक मामला अज जीरा दे पिंड सुनेहर विच वेखण नूं मिलिया जिथे कि सुखदेव सिंह पुत्र कुंदन सिंह जो कि कर्जे तो तंग आके जहरीली दवाई पी के उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बीबी कौला जी भलाई केंद्र के मुखी भाई गुर इकबाल सिंह ने श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश आगमन लैके भलाई केंद्र विच कीर्तन दरबार समागम का आयोजन किया इस विच वड्डी गिनती विच संगतां ने हाजरियां भरियां इस मौके गुरपाल सिंह उस्ताद जी रणजीत सिंह गोल्डी प्रीतम सिंह आदि मौजूद रहे। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन च नहीं देश चुनाव की बाकी खबरों की जानकारी बने रहो साडे नाल चंडीगढ़ टाइम टीवी से धन्यवाद।